Hello, welcome to Arvind Singh Academy, and this is a video lecture number 2. I hope you have already watched part 1 of this video lecture on tissue. So, aaj ki class mein hum baat karenge ki tissue aur plant tissue aur animal tissue ke bare mein pichle class mein humne baat kiya tha. Aaj unko bari bari se padhenge ki plant tissue aur animal tissue mein kya fark hai. वो तो हमने देख लिया था, लेकिन बारी बारी से डिटेल स्टडी करेंगे कि हाउ प्लांट टिश्यू आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल टिश्यू. लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहिए कि आखिर प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों अलग अलग होते ही क्यों हैं? ऐसा क्या है कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट होते हैं? सेल्स डिफरेंट होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू भी डिफरेंट होते हैं, ये बात हम समझ गए, लेकिन होते क्यों हैं? अब सवाल यह है कि होते ही क्यों हैं, ठीक है, कि अलग अलग होते ही क्यों हैं? Why plant tissue are different from animal tissue and what is this? Why this is so? So because plant tissue autotrophic plant होते हैं. Plant होते हैं autotrophic. Autotrophic का मतलब होता है कि जो अपना खुद भोजन बना सकते हैं और खा सकते हैं, जबकि animal autotrophic नहीं होते. इनको क्या होता है कि अपने food के लिए इधर उधर search करना पड़ता है, जाना पड़ता है और अपनी शिकार खुद करना पड़ता है, अपने खाने का इंतजाम खुद करना पड़ता है. और ये मोस्टली डिपेंडेंट लोग होते हैं, ये सारे डिपेंडेंट एनिमल्स. एनिमल्स आर डिपेंडेंट फॉर फूड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स इवन, राइट ना? सम एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स और सम एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बट दे कैन नॉट मेक फूड फॉर देमसेल्व्स. अब जो हम कहते हैं, आप कहे होंगे कि खाना तो हम खुद बनाते हैं, रात में रोटी दाल और चावल ये सब बनाते हैं हम बैठ के. नहीं जी, ये तो आप उसको क्या करते हैं कि ट्रांसफॉर्म करते हैं और उसको ईटेबल बनाते हैं, खाने लायक बनाते हैं. बेसिकली आपने गेहूं खुद नहीं बनाया, गेहूं तो प्लांट्स ने दिया है और उसी तरह से चावल भी प्लांट्स के जरिए आता है. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स ओनली. सो फल फ्रूट और जितने ये सारे सब्जी वगैरह आप खाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, ये सारे जो है वो प्लांट्स देते हैं. तो वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, बट ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक एंड दे कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे कैन सर्वाइव फॉर देयर ओन फूड विथ देयर ओन फूड, राइट? अपनी फूड के जरिए वो सर्वाइव कर सकता है, जबकि एनिमल को ऐसा नहीं है. दूसरी चीज की प्लांट को एक जगह खड़े रहना होता है, उसको इतनी मोबिलिटी की जरूरत नहीं होती, इसलिए उसको लेस मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होता है. जबकि एनिमल को बहुत ज्यादा फूड के सर्च में इधर उधर जाना होता है तो उसको हाई मोबिलिटी चाहिए, इसलिए हाई मेंटेनेंस एनर्जी चाहिए होता है. तो इस तरह से इन दो तीन जो बेसिक डिफरेंस है उसकी वजह से प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू अलग अलग होते हैं और उनमें डिफरेंस होता है. अब सवाल यह है कि टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू? टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है ये समझते हैं और इसको पहले लिखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि बारी बारी से कि एनिमल टिश्यू कैसा है और प्लांट टिश्यू से कैसे डिफरेंट है और इनकी अलग अलग स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज ये लेक्चर नंबर 2 है और हम बात कर रहे हैं टिश्यू की, राइट, टिश्यूज की, और आज हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की. एनिमल टिश्यू, ठीक है. तो अभी सबसे पहले जो बात करना चाह रहे थे वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू. इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, व्हाट इज दिस इम्पोर्टेंस? व्हाई द टिश्यू आर इम्पोर्टेंट? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, पहला इंपॉर्टेंस यहां नीचे लिखता हूं. टिश्यू, टिश्यू क्या करते हैं जी? फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू ब्रॉट डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. In multicellular organisms, right? In multicellular organisms. तो ये तो एक है कि टिश्यू के फॉर्मेशन से, टिश्यू थोड़ा ठीक से लिखूं, यहाँ टिश्यू, ठीक है,
shows broad division of labor in multicellular organism. एक तो ये importance है. दूसरी importance दूसरी है कि tissue becomes organized to form organ and organ system, right? So organized to form organ and organ system. तो इसलिए टिश्यू की जरूरत है. अगर टिश्यू ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा, और ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा, जिससे कि स्पेसिफिक फंक्शन और बॉडी का पार्ट जो फंक्शन होता है वो नहीं होगा, राइट? तीसरी क्या इम्पोर्टेंस है टिश्यू का? तीसरी इम्पोर्टेंस ये है कि वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स workload of individual cells cells are decreased so that they can survive for longer period of time as compared to unicellular organism. ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे समय तक रहते हैं. टिश्यू बहुत ज्यादा होने से दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज देयर ओरिजिन आर सेम. ठीक है ना, origin of all cells of tissue are same. Origin of all cells of tissue are same. So workload are divided. ठीक है, जैसे एक ही तरह के काम करने वाले बड़े सारे लोग हों, आप समझिए कई काम करवाना चाहते हैं, आप गए और एक ही तरह के काम जैसे हॉस्पिटल में आप गए और इंजेक्शन देने वाली बहुत सारे नर्सें हैं और इंजेक्शन कुछ ही लोगों को देना है, तो सबको क्या होगा, कोई एक एक दो दो आदमी को इंजेक्शन दे देगा, कुछ लोग खाली भी बैठे रहेंगे, उन पे वर्कलोड नहीं रहेगा. आप बैंक में जाते हैं, बहुत सारे कर्मचारी होंगे जो कैश देने वाले होंगे तो उन पे वर्कलोड कम रहेगा, और एक ही आदमी होगा और 5,000 लोग लाइन में लगे होंगे तो उस पर वर्कलोड ज्यादा होगा, है ना? चाहे 2-3 लोग ही होंगे और बहुत ज्यादा लोग होंगे वर्क लाइन में लगे होंगे तो उनपे वर्कलोड बहुत होगा. अकेला आदमी बहुत सारा काम, वर्कलोड ज्यादा है. बहुत सारे लोग थोड़े से काम या ज्यादा काम भी होंगे तो डिविजन ऑफ वर्क होने की वजह से वर्कलोड कम होगा. तो इस तरीके से टिश्यू होने की वजह से वर्कलोड का डिविजन हो जाता है, और वर्कलोड का डिविजन हो जाने की वजह से जो होता है क्या होता है कि उनकी सर्वाइवल लंबे समय तक होती है. और बहुत ज्यादा वर्कलोड अगर एक ही आदमी का हो, एक ही चीज का हो, एक ही सेल का हो, तो उनकी सर्वाइवल जो होती है वो कम होती है. टिश्यू, बिकॉज ऑफ द टिश्यू, एक और इम्पोर्टेंस ये है कि टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड सो दे कैन परफॉर्म the function of organ system with high efficiency because of the organization they can perform the work for function with high efficiency. तो ये जो चार important आप इम्पोर्टेंस कह सकते हैं टिश्यू का, कि इस तरह से चार इम्पोर्टेंस है टिश्यू का, और इस इम्पोर्टेंस की वजह से हम टिश्यू के बारे में बार बार बात करते हैं. तो अब बात करते हैं कि टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में वन बाई वन करके बात करते हैं.
तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है, बात हम टिश्यू की कर रहे हैं, है ना। और ये सब टॉपिक अब है हमारा प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू के बारे में जस्ट इंट्रोडक्टरी अभी बात करते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या है। एक मोटे तौर पर अगर हम प्लांट टिश्यू को समझें, तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का डिफरेंस जब हमने बताया था, तो बताया था कि प्लांट टिश्यू में एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और दूसरा होती है परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो तरह के टिश्यू होते हैं जो एनिमल में एब्सेंट होते हैं, बताया था ये बात। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है और परमानेंट टिश्यू जो होता है, उनके भी कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जो कि हमें समझना होगा। अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में जो ये एक मेन सेगमेंट है, इसमें भी तीन तरह के टिश्यू होते हैं। एक एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, एक लैटरल मेरिस्टेम कहते हैं, और एक इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। आज अभी पहले नाम जानिए, काम बाद में जान लीजिएगा। नाम जानना ज्यादा जरूरी है रदर देन काम जानने से। काम तो जान ही लेंगे, जब नाम जानेंगे तभी तो काम जानेंगे। तो पहले आप नाम जान लीजिए आज, फिर हम काम जान लेंगे कि ये करते क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है, इनका फंक्शन क्या है, रहते कहाँ हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो एक मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सिंपल टिश्यू भी तीन तरह के होते हैं, एक पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा और तीसरा स्केलेरेन्काइमा। तो ये तीन तरह के टिश्यू इसमें हैं, इनके तीन डिफरेंट टाइप्स हैं। स्केलेरेन्काइमा जो है वो फाइबर्स और स्क्राइड्स के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है उसमें भी दो तरह के टिश्यू हैं, और उन टिश्यूज को आप कह सकते हैं जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, इनके भी अलग अलग पार्ट्स टाइप का डिवीजन है। इनमें जाइलम में ट्रेचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और उसके बाद जाइलम फाइबर्स, ये अलग अलग तरह के ये चार टिश्यू हैं। ये रिपीटेड है, राइट, पैरेन्काइमा, और इसमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये अलग अलग फ्लोएम के भी कैटेगरी होती है। तो मोर और लेस हमें ये सब चीजों के बारे में, एक दो तीन चार, ये चार चीजें हैं, फाइबर्स और पैरेन्काइमा और वेसल्स और ट्रेचिड, सीव्स, ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स, ये भी चार तरह के होते हैं। इन सबको बारी बारी से हमें सीखना है, बारी बारी से समझना है कि ये कैसे काम करते हैं। तो इनको समझने के लिए हम बारी बारी से इस पे स्टडी करते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर प्रेजेंट मेरिस्मेटिक टिश्यू की बात करते हैं कि क्या है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इसी की वजह से होती है थ्रू आउट द लाइफ। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू मेरिस्मेटिक टिश्यू आर, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर ड्यू टू मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ड्यू टू मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब ये प्लांट्स में ग्रोथ जो होता है वो थ्रू आउट सब जगह नहीं होता, वो स्पेसिफिक रीजन में होता है। तो ये होता है स्पेसिफिक रीजन में ग्रोथ होती है, स्पेसिफिक रीजन, रीजन ग्रोथ इन स्पेसिफिक रीजन, ग्रोथ इन स्पेसिफिक रीजन होती है, और वहीं पे मेरिस्मेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रोथ जहां पे होगा वहां पे मेरिस्मेटिक टिश्यू होगा। अब पार्ट के हिसाब से मेरिस्मेटिक टिश्यू ग्रोथ अलग अलग जगह पे है। प्लांट के एक ही पार्ट में ग्रोथ ऐसा तो नहीं है कि एक टहनी में सिर्फ ग्रोथ हो रही है, या सिर्फ रूट में ग्रोथ हो रही है, या सिर्फ टॉप लेवल पे ग्रोथ हो रही है। तो अलग अलग पार्ट्स में के हिसाब से
मेरिस्मेटिक टिश्यू को अलग अलग सेगमेंट में बांटा गया। एपिकल, एपी नाम ही है, एपिकल मेरिस्टेम, इसका अर्थ क्या है कि ये टॉप पे होगा, ये जो होगा वो हमेशा एक पोजीशन के हिसाब से है, ये जो होगा वो हमेशा टॉप पे होगा, ये मतलब होता है टॉप। एपिकल ये टॉप में होगा, लैटरल यानी ये बॉटम में होता है, बेसिकली बॉटम में होता है, और इंटरकलरी ये मिडिल में होता है, मिडिल में होगा, ठीक है। तो ये तीनों पोजीशन है, टॉप, बॉटम और मिडिल, लेकिन इसका सिर्फ पोजीशन के से मतलब नहीं है, इनके बारे में थोड़ी और डिटेल बात हमें करनी होगी कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है और लैटरल, जो लैटरल का मतलब हुआ ये साइड वाइज जो बढ़े, तो इस तरीके से हम सबके बारे में वन बाई वन करके बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें और क्या क्या विशेष रूप से बात की जा सकती है। तो ये समझने के पहले हमें ये टिश्यू के बारे में थोड़ा ये ध्यान देना होगा कि ये होते कैसे हैं। सो इसको समझने के लिए कि टिश्यू होते कैसे हैं, स्ट्रक्चरली कैसे होते हैं, फिगर की जरूरत पड़ती है, और ये फिगर आपके सामने है जिस फिगर के जरिए हम बताने की कोशिश करेंगे कि टिश्यू का कौन सा पार्ट जो है वो बेसिकली आपको ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उस ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, ठीक है। तो एपिकल जो मेन स्ट्रीम होती है, जैसा कि हमने कहा था कि ये टॉप पे होता है, तो ये क्या करता है और ये किस लिए काम आता है, जैसे टॉप पे होता है, या टॉप का मतलब क्या होता है, टॉप दोनों तरफ से होता है, यानी टिप पे भी और रूट में भी, इसलिए ये बेसिकली दो तरह के होंगे, ठीक है ना, दो तरह के होंगे, एक रूट में और एक टिप पर, एक टिप पर होंगे और एक रूट में होंगे, दो तरह के होंगे, और इन दोनों को हम बात करते हैं कि ये जो दोनों चीजें होती है वो क्या होता है, इसको सूट एपेक्स और रूट एपेक्स कहते हैं, जो टिप पे है उसको कहेंगे सूट एपेक्स, क्या कहेंगे, सूट एपेक्स, इसको कहते हैं सूट एपेक्स, और इसको कहते हैं रूट एपेक्स, रूट एपेक्स। ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी टिप और रूट का ग्रोथ इसकी वजह से होता है, टिप और रूट का ग्रोथ जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम, थोड़ा सा सब लिख दो, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्टेम, लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम की बात है, राइट। लैटरल मेरिस्टेम की वजह से क्या होता है, लैटरल मेरिस्टेम जो होता है वो ग्रिथ को इंक्रीज करने की वजह से आता है, ये बॉटम पार्ट में होता है, ये बीनीथ में होता है प्लांट के, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैटरल मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द ग्रीथ ऑफ प्लांट, ग्रिथ ऑफ प्लांट, राइट। तो ये प्लांट के जो ग्रिथ है, वो जो ग्रिथ है पूरी तरह से उसकी मोटाई है, उसको इंक्रीज करने के काम आता है, वहां से डेवलपमेंट होती है ताकि उसकी मोटाई बढ़ सके और जो पेरिफेरी है वो बढ़ सके, इसके ग्रिथ बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। जो और इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो होता है एट द बेस ऑफ लीव्स, दे आर इन द मिडिल, दैट इज दे आर प्रेजेंट
at the base of leaves, at the base of leaves, right? The base of leaves पे ही present होते हैं and और internode, और internode, internode, internode पे present होते हैं, right? तो ये intercalary की बात है। इस तरह से जो मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए काम आता है। तो ग्रोथ जहां जहां होगा उस रीजन में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, उस रीजन में ये चीजें होंगी। और चूंकि पोजीशन के हिसाब से इनको तीन अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, एक है एपिकल, दूसरा है लैटरल, तीसरा है इंटरकैलरी, और इन तीनों की अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग कहानी है, अलग अलग इनके बात है। तो अब इनके सवाल यह है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और फंक्शन क्या है, मेरिस्मेटिक टिश्यू का इम्पोर्टेंस क्या है और इनके फंक्शन क्या क्या है, ये हमें सीखना है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन। फंक्शन जो है वो सबका एक ही है। इम्पोर्टेंस ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू आप समझ सकते हैं, फंक्शन अब क्या है मेरिस्मेटिक टिश्यू का। इम्पोर्टेंस तो ये है कि इसकी बिना से ग्रोथ नहीं हो सकती। अब ये फंक्शन क्या क्या करता है वो थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं। और फंक्शन, फंक्शन छोटे से फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकी फंक्शन क्या क्या है। मेरिस्मेटिक टिश्यू, पहला मेरिस्मेटिक टिश्यू, टिश्यू एक्ट एज पैरेंट टिश्यू, पैरेंट टिश्यू, टिश्यू एंड पैरेंट क्या करते हैं, पैरेंट से ही बच्चे पैदा होते हैं। तो पैरेंट टिश्यू है, इसका मतलब है कि इसी से बाकी टिश्यू जो है प्रोड्यूस हुए होंगे। से एक्ट एज पैरेंट टिश्यू एंड थ्रू विच अदर टिश्यू डेवलप्स, अदर टिश्यू डेवलप्स, ठीक है, एक चीज ये हो गई, राइट। दूसरी बात यह है कि दे टेक पार्ट इन ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तीसरा, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से क्या होता है, ड्यू टू इट न्यू लीव्स, न्यू सेल्स, लीव्स, फ्रूट्स, flowers are develops due to meristematic tissue, meristematic tissue, इसी की वजह से ये सारे होते हैं। अगर प्लांट कहीं कट जाए तो उसको हील करने का, न्यू सेल डेवलप करके उसको हील करने का काम भी meristematic tissue ही करता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू ये सारे काम करता है, जैसे प्लांट से कहीं से उसमें कोई सेल डैमेज हो गया तो उसको हील करने का काम मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है। और नया फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं, लीव्स नहीं होती हैं, नया स्टेम डेवलप करने का काम, ये सारी भी मेरिस्मेटिक टिश्यू, मतलब ऑल राउंड ग्रोथ जो होती है वो प्लांट टिश्यू की वजह से ही होता है। और अगर मान लीजिए कि हवा के झोंके वगैरह से, विंड से कोई भी टहनी में नहीं थोड़ी सी ब्रेक हो जाए तो उसको भी हील करता है, किसी भी तरह से किसी ने कट कर दिया तब भी कोई ऐसी चीज हील करने का काम ये सारा ये मेरिस्मेटिक टिश्यू करता है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टिश्यू है, एक पैरेंट टिश्यू है, और इस पैरेंट टिश्यू का काम है कि ऑल राउंड ग्रोथ करना। एक जो है एपिकल मेरिस्टेम होता है जो या तो शूट पे ऊपर की ओर बढ़ने का काम जो होता है, पौधे ऊपर जो ग्रोथ होती है, ऊपर की तरफ जो स्टेम ग्रो करता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है, यानी टिप का ग्रोथ जो होता है वो एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। और जो रूट का ग्रोथ होता है, नीचे गहराई में जो पौधे का रूट जाता है, वो भी इसी एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होता है। इसलिए इसको दो तरह से हमने डिवाइड किया, एक शूट और एक रूट, एक शूट एपेक्स और दूसरा रूट एपेक्स, तो ये दो तरह से हो गए।
और इनकी बेसिकली लैटर जो वर्टिकल ग्रोथ होता है, वर्टिकल ग्रोथ होता है प्लांट्स में, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, वो दोनों की जिम्मेदारी जो है वो एपिकल मेरिस्टेम की होती है। लैटरल जो होता है ये बॉटम में होता है और ये क्या करता है, बेसिकली ग्रीथ करता है, यानी पेड़ की अगर प्लांट के डायमीटर जो है वो ग्रो कराने का काम जो है वो लैटरल मेरिस्टेम का होता है। ये प्लांट का डायमेट्रिकली जो ग्रीथ है, जो मोटाई है, वो उसकी वजह से थिकनेस जो है वो इसकी वजह से बढ़ता है और धीरे धीरे लैटरल मेरिस्टेम का यही काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लांट का ग्रीथ, जब प्लांट आप लगाते हैं तो पतली सी एक होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी ग्रीथ बढ़ती जाती है, तो जो ग्रीथ डायमेट्रिकली इतनी मोटी हो जाए प्लांट का, तो वो ग्रीथ बढ़ाने का जो काम होता है वो लैटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। इंटरकलरी मेरिस्टेम ये प्लांट्स के लीव के बेस में होता है और अगर लीव ना ग्रो करे, नई नई पत्तियां ना हो प्लांट्स में, तो प्लांट में ग्रोथ होगा नहीं होगा, तो लीव्स के पास ये जो होता है वो मिडिल में होता है और ये इंटरनोड पे और लीव लीव्स के बेस पे प्रेजेंट होता है। इसलिए ये सब ग्रोथ का जो टोटल काम है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वजह से होता है और उसके ये जो तीन चेले हैं, तीन पार्ट है, तीन सेगमेंट है, ये सब मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। तो हमने अभी प्लांट टिश्यू के एक टाइप के बारे में अभी सीखा है कि प्लांट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके जो तीन पार्ट हैं, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी, इनके क्या क्या काम हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। कुल मिला जुला के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट को ग्रोथ करने के काम आता है और ये टिश्यू की जिम्मेदारी है प्लांट को ग्रोथ कराना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप निश्चित रूप से समझ पाए हों कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होता है। प्लांट के उस रीजन में होता है जहाँ पे ग्रोथ होती है और वो तीन तरह से उसको डिवाइड किया गया है कि लैटरल और एपिकल और इंटरकैलरी, और ये तीनों मिल करके अलग अलग पार्ट में प्लांट की ग्रोथ को अंजाम देते हैं और अपनी कार्य को बखूबी अंजाम देते हैं। आप भी बढ़िया से काम कर रहे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, बढ़िया, ओके। सो आई होप यू गॉट इट। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर समथिंग मोर अबाउट द प्लांट टिश्यू। So till then, bye-bye. Thank you very much. God bless. Keep watching. And if you have any problem, do write to us at our mail ID, arvindsinghacademy@gmail.com. We will be happy to reply you. Thank you. Thank you very much. God bless.